शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये शो फिलहाल इंडिया में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। इसे देखने के लिए बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एपिसोड 7 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। अपने पापा और उसके सरफिरे दोस्तों को खुश करने के चक्कर में ही स्मिथ ने उसके भाई के साथ लड़ाई की थी और इसी लड़ाई के दौरान स्मिथ ने एक्सीडेंटली उसके भाई को मार दिया। टीवी पर ऑफिशियली साइको घोषित किए जाने के बाद अब स्मिथ भी अपने आप को नाकारा या लूजर समझ रहा था। सारी लोकल पुलिस अब पीस मेकर के पीछे पड़ गई थी। वैसे भी स्मिथ के पास खोने को कुछ नहीं, तो उसने सोचा चलो एटलीस्ट काउ को मारकर बटरफ्लाइज को हराया जाए। फिर स्मिथ अपने स्पेयर हेलमेट्स उठाकर चेस और ईगली के साथ काउ की तलाश में निकल पड़ा। ना चाहते हुए इकोनॉमस भी इनके साथ चल दिया। स्मिथ को पूरा यकीन था कि वो डायरी इसके कैबिन में अडेबायो नहीं छुपाई होगी। हारकोर्ट ने भी भांप लिया था कि डायरी वाले काम के पीछे अडेबायो का हाथ था, बट अडेबायो ने इसे किसी तरह समझाया कि उसकी मम्मी यानी अमांडा वॉलर ने इससे जबरदस्ती ये काम करवाया था। पिछला जॉब छूटने के बाद अडेबायो को नए काम की जरूरत थी, इसीलिए सिर्फ पैसों के खातिर मजबूरी में अडेबायो ने वॉलर का ऑफर एक्सेप्ट किया था। अमांडा वॉलर की मम्मी वाली बात सुनकर हारकोर्ट को डबल झटका लगा कि तभी वहां मन आ गया। मन ने ऑलरेडी अडेबायो का बैकग्राउंड चेक करके पता लगा लिया था कि यह वॉलर की बेटी है और पिछले एपिसोड में अडेबायो का रिएक्शन देखकर इसे कन्फर्म हो गया कि वो डायरी भी अडेबायो ने ही प्लान की होगी। बट अब वो सब सोचने का टाइम नहीं था। लॉक ने पलटी मार ली, यानी बाकी सारे पुलिस भी बटरफ्लाइज बन गए होंगे। लॉक ऑलरेडी एक बार मर्न के एड्रेस पर आ चुका था और बटरफ्लाइज उनके होस्ट के मेमोरीज एक्सेस कर सकते हैं, यानी इन्हें जल्द से जल्द बोझा बिस्तर बांधकर यहां से निकलना होगा। बटरफ्लाई पुलिस किसी भी वक्त इनके दरवाजे पर आती होगी। हारकोर्ट और अडेबायो तो समय रहते निकल गए, बट मर्न को बटरफ्लाइज ने पकड़ लिया। बटरफ्लाइज के लीडर ने गद्दार मर्न और उसके अंदर के बटरफ्लाई को मार दिया। मरने से पहले मर्न ने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए हारकोर्ट और अडेबायो को किसी भी कीमत पर काउ को मारने का ऑर्डर दिया। पुलिस के वहां से जाते ही हारकोर्ट और अडेबायो ने अंदर जाकर मर्न को फाइनल गुड बाय बोला कि तभी इन पर जूडो मास्टर ने हमला कर दिया। यप, ये फिर से एक बार स्क्वाड की कैद से आजाद हो गया। हारकोर्ट इधर फुल ऑन एटॉमिक ब्लॉन्ड मोड में चली गई। फिर अडेबायो ने जूडो मास्टर को टेजर से बेहोश कर दिया। यप, ये फिर से एक बार इनकी कैद में आ गया। ऑगी और उसकी गैंग स्मिथ को मारने चले गए। पीसमेकर के हेलमेट्स को ट्रैक करते हुए ऑगी ने उनके ट्रक पर हमला कर दिया। व्हाइट ड्रैगन के आर्मर में लगे वेपन्स सब पर भारी पड़ रहे थे, बट चेस ने आर्मर के कमजोर हिस्से पर हमला करके सारे वेपन्स डिसेबल कर दिए। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इकोनॉमस ने ऑगी की पूरी गैंग को गोलियों से भून डाला। यानी अब स्मिथ और ऑगी को आपस में लड़कर अपना पर्सनल मैटर सुलझाना होगा। स्मिथ इमोशंस में पूरी तरह से कंट्रोल खोकर ऑगी को पीटने लग गया। ना ही अपने रेसिस्ट बाप की बातें सुनता और ना ही उसका भाई मारा जाता। बट ऑगी कहां सुधरने वाला था। स्मिथ को समझाने के बजाय उल्टा वो उसे और ताने मारने लगा। लड़ाई के दौरान ऑगी ने ईगली को तक जख्मी कर दिया था। ऑगी को लगता है कि आज भी स्मिथ उसके कंट्रोल में था। इसके अंदर अपने बाप पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं। ये सुनते ही स्मिथ ने ऑगी का भेजा उड़ा दिया। ऑडली सेटिस्फाइंग सीन था ये। ऑगी को मारने के बाद स्मिथ फूट फूट कर रोने लग गया। चेस और इकोनॉमस स्मिथ के साथ ईगली का इलाज करने वेट हॉस्पिटल चले गए। ईगली की मरम पट्टी पूरी होने के बाद चेस वेट और नर्सेस को मारना चाहता था क्योंकि इन्होंने उनके चेहरे देख लिए, बट समय रहते हारकोर्ट ने इसे रोक लिया, इंडिकेटिंग कि हारकोर्ट अब थोड़ी सॉफ्ट कोर्ट बन गई है। पिछली बार इसने बिना कुछ सोचे समझे गॉफ के सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया था। एडवायो के साथ रहते रहते इसे भी ह्यूमन लाइफ की कदर समझ आ गई। स्मिथ बेहोश पड़े ईगली के पास बैठा ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। ऊपर वाले ने इसकी सुन ली और ईगली को होश आ गया। होश में आते ही ईगली ने स्मिथ को गले लगा लिया। अडेबायो ये सब देखकर काफी हैरान थी। इस चमत्कार को देखने के बाद अडेबायो ने जॉब छोड़ने का डिसीजन बदल लिया और वापस अंदर चली गई। मिशन पूरा होने तक ये कहीं नहीं जा रही। वो सब तो ठीक है, बट मर्न के बिना ये काउ को कैसे मारेंगे। इन्हें अब एक नए लीडर की जरूरत थी, तो सबने फैसला किया कि हारकोर्ट इस मिशन को लीड करेगी। काउ के बिना बटरफ्लाइज बस कुछ हफ्तों तक ही जिंदा रह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बटरफ्लाइज को भी अब इनके इस मिशन के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि बटरफ्लाइज काउ को किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर दें,
इन्हें काऊ को मारकर मिशन पूरा करना होगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होने वाला। सॉन्ग पूरी गैंग को लेकर काऊ के अड्डे पर चली गई। एंड सीन में हमें बटरफ्लाइज की इस खूबसूरत काऊ की झलक भी देखने मिली। बटरफ्लाइज काऊ को किसी दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। और यहां होता है एपिसोड 7 खत्म। बाय द वे, स्मिथ एडेबायो से अब भी नाराज था। होपफुली फिनाले में ये उसे मना लेगी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।